से आ रहा हूँ। हमारी संस्था है ब्रैकिश वाटर रिसर्च सेंटर, जो कि 2003 से काम करती है कोस्टल एरियाज़ के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर। हम जो कि कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ लास्ट 6 ईयर से काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो गुजरात का कोस्टल बेल्ट है और साउथ गुजरात का कोस्टल बेल्ट है, वो इंडिया का 60% केमिकल जनरेट करता है, और इसी बेल्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूटेड इंडस्ट्री, जैसे कि पेस्टिसाइड है, फार्मास्यूटिकल है, बल्क ड्रग है, केमिकल है, फाइन केमिकल्स है, और बहुत सारे टेक्निकल जो केमिकल प्रोडक्ट है वो बनते हैं। और इसी केमिकल बेल्ट के अंदर मैक्सिमम आबादी भी है और फिशरमैनों की संख्या भी है। अब यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री आने से जो उनका गंदा पानी निकलता है, उनको ट्रीट करने के लिए CETPs लगे हुए हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट खुद इंडस्ट्री कर रही है और सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए CETPs लगे हुए हैं, लेकिन एक भी CETP खुद का काम कर नहीं पा रहा। और बहुत सारी मरतबा इंडस्ट्री को क्रिटिकल पोल्यूटेड एरिया में डाला गया है और बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हुए हैं, लेकिन जो पोल्यूशन लोड है वो पोल्यूशन लोड फाइनल के अंदर कोस्टल बेल्ट में आता है। वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में, हैज़र्डस वेस्ट है, वो कहीं डिस्पोज ऑफ इलीगली होता है, वो फाइनली कोस्टल बेल्ट में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो हमारा कोस्टल बेल्ट है, इसमें जो फिशरीज थी वो बहुत ही ख़त्म होती जा रही है। लास्ट 6-7 साल के अंदर जो 20 कमर्शियल स्पीशीज थी फिश की, वो बिल्कुल नहीं मिल रही, वो डिसअपियर हो गई है। सो ये केमिकल बेल्ट के अंदर समस्याएं बहुत ही जटिल है, और क्योंकि ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड फिशरमैन को अवेलेबल है और फिशरमैन के लड़के पढ़ते हैं और अल्टरनेट जॉब कर लेते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या के रूप में अभी तक उभर के नहीं आई गुजरात। लेकिन जितने भी पोर्ट्स केमिकल इंडस्ट्रीज SEZs आ रहे हैं, वो इसी साउथ गुजरात बेल्ट में आए हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये खड़ा हुआ है कि जो कोस्टल इकोलॉजी है वो बहुत सीरियसली अफेक्ट हुई है। आप देखेंगे कि भरूच डिस्ट्रिक्ट है, नर्मदा, उसमें जैसे डैम के आने से वाटर फ्लो कम हो गया नर्मदा डैम के बनने से, और अभी वहाँ पे अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का पानी जा रहा है सी के अंदर, तो वहाँ पे लास्ट 2008-09 तक में पूरी जो फिशरी है वो 25% तक के डाउन ग्रेड हो गई। सो हमारा जो कोस्टल बेल्ट है वो वर्नरेबल हो गया है इकोलॉजिकल, और फ्रेजाइल हो गया है। मोर ओवर लास्ट 3-4 साल से ऑयल स्पील हो रहा है, बॉम्बे हाई से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है उसे मिस्ट्री बोल रहे हैं, मिस्ट्री ऑयल स्पील बोल रहे हैं। तो पूरा ऑयल स्पील के कारण सूरत से ले के बम्बई तक का कोस्टल बेल्ट है वो हर साल पोल्यूट हो रहा है। ये सूरत की बात है, सूरत की बात। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीषा गोस्वामी, मैं वापी से हूँ, वापी गुजरात। वापी को 2009 में क्रिटिकल पोल्यूटेड जोन में से बाहर निकाला था। उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई थी CPCB की तरफ से, तो वो कोई भी शर्तों का पालन नहीं हुआ है। उसके लिए एक टाइम लिमिट दिया हुआ गया था दिसंबर 2010 तक का, तो उसमें दूसरा दिसंबर चला गया, फिर भी कई कामों के सर्वे भी नहीं हुए हैं, और कौन कौन से काम होने वाले हैं वो भी लोगों को पता नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम आता है हैज़र्डस वेस्ट का। हैज़र्डस वेस्ट को वापी में कहीं भी डंपिंग कर देते हैं, उसकी वजह से चनोद सुलपाड़ जैसे एरिया है डूंगरी, वो एरिया में पीने का पानी लोग डंकी का पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो पानी पूरा केमिकल वाला और येल्लो पानी आता है। और तीसरे प्रॉब्लम में आ जाता है कोस्टल एरिया, कोलक रिवर है, दमनगंगा रिवर है, वापी में CETP का प्लांट लगा हुआ है, लेकिन वो पर्यावरण के हिसाब से काम नहीं करता है, जो नियम होते हैं उनके हिसाब से। ऐसे ही ट्रीट किया नहीं किया और पानी को नदी में छोड़ देते हैं, वो पूरा पानी दरिया में जाते ही पूरे फीस की क्वांटिटी कम होती जाती है। उसमें
कई प्रजातियां हैं, टीटन जैसी प्रजातियां जिसपे माछीमारी की रोजी डिपेंड थी, वो प्रजातियां आजकल देखने भी नहीं मिलती। और फिशरमैन पहले किनारे पे पगड़िया माछीमारी कर लेते थे, अभी उनको माछीमारी करने के लिए 2-3 किलोमीटर दरिया में अंदर जाना पड़ता है। तो उन लोगों का भी प्रॉब्लम ये हो गया है कि पहले वो दरिया के किनारे पे माछीमारी करते थे, उनको बोट की ज़रूरत नहीं होती थी, उनके पास ना बोट है और ना इतने पैसे हैं कि वो अभी माछीमारी करने के लिए बोट खरीद सके। गवर्नमेंट का या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कैसा रिस्पांस रहता है, आपने कंप्लेंट की होगी काफ़ी? पिछले 10 सालों से कोलक के माछीमार कंप्लेंट कर रहे हैं इसके बारे में कि हम लोगों को मतलब मुआवजा चाहिए, इतना नुकसान हुआ है, आप गंदा मतलब एफ्लुएंट जो छोड़ते हैं उनको आप बंद करवाइए या ट्रीटमेंट करवा के छोड़िए। तो गवर्नमेंट गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलती है, दमन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आ रहा है, दमन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलती है, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिम्मेदार है उसके लिए, कोई अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। और कोई इससे प्रोग्रेस कुछ हुआ है आपने देखा? नहीं, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, जहाँ था वहाँ का वहाँ है। पहले मतलब 10 साल पहले की ये स्थिति थी कि आप कोलक रिवर में जाके माछीमार फीस का मतलब फीस लेके आते थे, अभी दरिया में 3-4 किलोमीटर जाते हैं फिर भी नहीं मिलती है। क्रिटिकली पॉल्यूटेड घोषित होने के बाद उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ? इम्प्रूवमेंट कोई कुछ भी नहीं करता है, सब आँख बंद करके बैठे हुए हैं ऐसे ही। और सूरत के बारे में आप बताइए, गवर्नमेंट का कैसा रिस्पांस है? गवर्नमेंट का रिस्पांस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट का यार रिस्पांस प्रो इंडस्ट्री है। ज़्यादातर जो भी प्रोजेक्ट हज़ीरा में आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ के, वो सब प्रोजेक्ट्स के अंदर कहीं पर फिशरमैन या जो भी वंचित लोग हैं समुदाय, उनके बारे में कहीं पर भी सोचा नहीं है। आप जानते हैं कि सूरत एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी है। 2006 में फ्लड आई थी और फ्लड के बाद जो एस्चुराइन जोन है उसको एक इंक्वायरी पैनल बिठाया गया था। अब उसी इंक्वायरी पैनल के जजमेंट को अगेंस्ट में रख के एसआर और अदानी वगैरह वहाँ पे पोर्ट्स बना रहे हैं एस्चुरी के माउथ के अंदर, और आने वाले समय के अंदर जब क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो फ्लड आने की शक्यता बहुत ही बढ़ गई है। और सिटी डेवलप होने से क्या है कि जो नेचुरल फ्लोज थे एस्चुरी के वो भी बंद हो चुके हैं, सो बहुत गंभीर परिस्थिति का निर्माण सूरत सिटी के लिए। आप अगर फाइनेंस में बताइए कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वहाँ पर? इम्प्रूवमेंट्स जो होना चाहिए, जो प्लानिंग है, प्लानिंग के अंदर कहीं पे भी ग्रास रूट लेवल पे लोकल पीपल को नहीं रखा जाता है, न फिशरमैन को रखा जाता है, ना एनजीओस को रखा जाता है। प्लानिंग उसी स्टेज पे करती है इंडस्ट्री या गवर्नमेंट, उन्हीं के हिसाब से करती है। सो फाइनल में जब प्रॉब्लम खड़ी होती है तब उनको पता चलता है अरे ये प्रॉब्लम हो गई। सो कहीं पे भी कंसल्टेशन नहीं है, कहीं भी पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है, इसी के कारण पब्लिक पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी एनवायरमेंटल एंगल से जो भी प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू करके, उनका डिज़ाइन चेंज करके, उनकी इम्पैक्ट्स कैसे कम की जा सकती है, इसके बारे में खुल के चर्चा करने का कोई अवकाश ही नहीं। आप वापी के बारे में बताइए, क्या इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए वहाँ पर? वापी में एक तो GIDC में ग्रीन बेल्ट नहीं है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है तो वापी में ग्रीन बेल्ट कंपलसरी होना चाहिए। हर एक कंपनी को अपना एरिया दे देना चाहिए कि इतने एरिया में ग्रीन बेल्ट होना ज़रूरी है। सेकंड, मॉनिटरिंग बिल्कुल भी CETP में कोई नहीं करता है, तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वापी का मोस्ट प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट, हैजार्डियस वेस्ट और वाटर पॉल्यूशन। तो ये दोनों को ट्रीटमेंट करके ही, मतलब वाटर पॉल्यूशन में पानी को ट्रीटमेंट करके ही दरिया में छोड़ना चाहिए। वापी के साथ जो स्पेशल केस है कि उसको हटा दिया या क्रिटिकली पॉल्यूटेड से, वो गलत किया है, वो नहीं हटा। तो आप चाहते हैं कि उसको वापस लगाया जाए, इम्प्रूवमेंट है इसके बाद? और वापी और सूरत के बाद ओवरऑल गुजरात का कुछ आइडिया बताइए कैसा है पॉल्यूशन वहाँ? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ओडाओ, नंदेसरी और अंकलेश्वर, और अभी अभी जो दहेज जहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन आ रहा है और पूरा 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वहाँ पे फुल इंडस्ट्री आ रही है, टाउन प्लानिंग हो रहा है, वहाँ पे भी कोई प्लानिंग नहीं,
अंकलेश्वर तो अभी भी क्रिटिकली पॉल्यूटेड में है और वापी निकाल दिया गया पनोली। हाँ, ये तो सेपी किस हिसाब से बनाया गया था, कैसे उसका ये किया गया था, आपको ये बताऊं कि अभी ये क्रिटिकली में से निकाल दिया गया है, लेकिन जो साइट्स पोल्यूटेड थी जिसका मेरे पास लेटर है और कितने थाउजेंड मेट्रिक टन हैजार्डस वेस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसके बारे में क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया के प्लान के अंदर एक शब्द भी नहीं है। वो पेपर पे आया क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पेपर पे निकल भी गया और आज भी मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ कि अभी भी वेस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है। सो ये पेपर प्रोसीजर। आप क्या कहते हैं गुजरात के बारे में वापी के बाद? वापी को क्रिटिकल पोल्यूटेड जोन में से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इंडिया का 55% केमिकल वापी में ही बन रहा है और गुजरात में बाकी सब नाम तो शेख भाई ने बता दिए। उसमें एक कच्छ जो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो फिलहाल गांधीधाम अंजार भचाऊ का जो एरिया है वो सेम टू सेम वापी जैसा ही डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा मतलब जितने भी NOC क्लियरेंस मिलते हैं वो थोड़ा मिनिस्ट्री को लोगों हाँ स्टेट या CPCB या GPCB को लोगों को साथ में रख के करना चाहिए। तो आप किसको मानते हैं रिस्पॉन्सिबल, किसको एक्शन लेना चाहिए? एक्शन सबसे पहले तो स्टेचुटरी अथॉरिटी जो GPCB MOEF है जो क्लियरेंस इश्यू करती है उनको ही सोचना चाहिए कि विदाउट हैविंग वहाँ पे कोई पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स नहीं है फिर हम क्यों क्लियरेंस दे रहे हैं। अभी देखिए दहेज के अंदर कोई डिस्पोजल की पाइपलाइन नहीं है, कोई मरीन डिस्चार्ज का ये नहीं, कोई CETP नहीं है, फिर भी आज 10 MLD पाइपलाइन से इलीगली सी के अंदर डिस्चार्ज किया जा रहा है। जब वहाँ पे आप 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रोजेक्ट फुल फ्लेज जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ने EC दे दिए हैं, लेकिन वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही है। जब ये सब चीज़ें नहीं हैं तो क्लियरेंस देने का क्या मतलब है? अभी के कंडीशन में कोई स्कोप देख रहे हैं आप सूरत में इम्प्रूवमेंट का, वापी में इम्प्रूवमेंट का? वापी में कोई स्कोप नहीं है इम्प्रूवमेंट का, कुछ नहीं हो रहा है इसके ऊपर, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, GPCB भी कुछ भी नहीं कर रही है। क्योंकि पूरा अभी हाल का ही मैं आपको बताऊँ, एक पब्लिक हियरिंग हुआ था, वो पब्लिक हियरिंग साइट पे नहीं रखा गया था, साइट से बाहर रखा गया था, उसमें पूरा थर्मल पावर प्लांट का पब्लिक हियरिंग था लेकिन उसको EC नहीं मिला है, पब्लिक हियरिंग नहीं हुआ है, फिर भी 3 माले का कंस्ट्रक्शन हो गया है, तब तक GPCB सोई हुई थी, तब तक उसको पता नहीं चला कि इतना सारा कंस्ट्रक्शन हो गया है।